हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे भिंडी की सब्जी बनाना। हाँ दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, उसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे, उसमें थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे, इसके बाद बारीक कटे हुए प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे। प्याज और हरी मिर्ची डालने के बाद इसे हरा हिला देंगे और 2 मिनट तक प्याज को लाल होने तक भूनने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्याज अच्छे से भून के लाल हो गए हैं। अब हम इसमें भिंडी के कटे हुए टुकड़े डाल देंगे। हम इसे भिंडी के कटे हुए स्लाइसेस डालेंगे। भिंडी को हम काटने के बाद किसी पेपर पर रख लेते हैं ताकि जो भिंडी में से पानी आता है वो सारा पेपर में आ जाता है और हमारी भिंडी कुरकुरी और टेस्टी बनती है। अब हम क्या करेंगे, मसाला डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी। भिंडी सूखी सब्जी होती है इसलिए हल्दी कम डालती है। 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1.5 चम्मच नमक। क्योंकि सब्जी बनाते समय हमेशा ध्यान रखें तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो ये तेल थोड़ा ज़्यादा रहता है तो सब्जी चिपकती नहीं है। अब इस मसाले को डालने के बाद हम इसे अच्छे से हिला लेंगे। देखिए दोस्तों, हम इसमें मसाला हिला रहे हैं, अच्छे से हम इस मसाले को हिला देंगे। फिर दोस्तों, हमने भिंडी में मसाला अच्छे से हिला लिया है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए सीजने के लिए रख देंगे। 2 मिनट जब हम इसे ढक के रखते हैं तो अच्छे से भिंडी पक जाती है। अब देखिए दोस्तों, 2 मिनट ढकने ये देखिए दोस्तों, 2 मिनट के बाद जब हमारी भिंडी पक गई होगी तो हम इसे उगाड़ के देखेंगे कि हमारी भिंडी अच्छे से पकी है या नहीं पकी। वाओ, ये देखिए हमारी स्वादिष्ट भिंडी तैयार है। अब आप इसे खाइए, खिलाइए, अच्छे से हिला के सर्व कीजिए पूड़ी के साथ, पराठों के साथ, भिंडी की सब्जी का टेस्ट दीजिए। थैंक्स फॉर विजिटिंग। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे पूड़ी बनाना। सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी टेस्टी टेस्टी चीज़ें बनाना आप सीख सकें। सबसे पहले हम थोड़ा सा डालेंगे, उसकी लोई बना लेंगे, थोड़ा सा तेल लगाएंगे और तेल लगाने के बाद चारों तरफ से गोल गोल बेल लेंगे। पूड़ी का जो लोया होता है बहुत छोटा होता है ताकि हमारी पूड़ी सॉफ्ट और अच्छी बने। ये देखिए दोस्तों, चारों तरफ से घुमाने के बाद हमने ये पूड़ी बेल ली है। अब हम एक कढ़ाई में तेल को गर्म करने के लिए रखेंगे और उसमें इस पूड़ी को तलेंगे। ये देखिए कितनी शानदार पूड़ी हमारी बन गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी पूड़ी को गरम गरम तेल में डाल देंगे। हमेशा पूड़ी जब भी डालें साइड से डालें ताकि आपका हाथ जले नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूड़ी तलती जा रही है और फूलती जा रही है। अब हम ये फूली हुई पूड़ी को एक बार पलट देंगे। हमारी कुरकुरी रात्री पूड़ी तैयार होने वाली है विद इन 1 सेकेंड। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूड़ी तल के रेडी हो गई है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी कुरकुरी मज़ेदार शानदार फूली हुई पूड़ी तैयार है। इसे सर्व कीजिए सब्जी के साथ, रायते के साथ, खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर विजिटिंग। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे बूंदी वाला रायता बनाना। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें दही लेना है एक बाउल में। ये हमने दही ले लिया है, जितना दही होगा उससे डबल मात्रा में हमें इसमें पानी डाल देना है। हाँ दोस्तों, हम इसमें दुगनी क्वांटिटी में पानी डाल देंगे। ये देखिए हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब हमें इसे अच्छे से घोट लेना है। आप चाहें तो बिलोई आती है उससे भी घोट सकते हैं और हम इसे अच्छे से घोट लेंगे। हमारी चम्मच से हमने इसे अच्छे से घोट लिया है, घुटा हुआ चाहिए। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम लाल मिर्च डाल देंगे। नमक डाल देंगे। लाल मिर्च और नमक डालने के बाद
हम इसमें भुना हुआ जीरा डाल देंगे। हाँ दोस्तों, इसमें जो जीरा डलता है वो भुना हुआ यानी कि सिका हुआ होना चाहिए। इसे हम तवे पे या किसी और छोटे से बर्तन में सेक सकते हैं। सेकने के बाद इसे हाथों से अच्छे से क्रश कर देंगे और फिर इसे अच्छे से खोल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने इसे अच्छे से खोल लिया। ये हमारा रायता बन रहा है। दही अच्छे से मेज होना हो जाना चाहिए। अब हम इसमें फीकी बूंदी डाल देंगे। ये जो फीकी बूंदी है कहीं भी आपको हलवाई के यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी, और आप चाहें तो इसे घर पर भी बना सकते हैं बेसन से। फीकी बूंदी बनाने का वीडियो हमने अलग से डाला है, आप उसे भी देखें और सीख लीजिए कि बूंदी कैसे बनती है। सबसे पहले दोस्तों, नई नई चीज़ें बनाना और सीखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे चैनल को जब लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हर नई डिश आपके चैनल पर आपको फटाफट दिख जाएगी और आप सीख पाएंगे अच्छा सा खाना बनाना। ये देखिए दोस्तों, हम इसमें अच्छे से फीकी बूंदी डाल देंगे और इसे एक बार अच्छे से घोल लेंगे। ये देखिए, अब हमारा रायता तैयार है। अभी हमने इसमें बूंदी डाली है, तो इसे एक या दो सेकंड के लिए हम इसे बूंदी को अच्छे से गलने देंगे। जब ये बूंदी गल जाएगी तो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, तो हम इसे गलने देते हैं। और ये देखिए दोस्तों, दो मिनट गलने के बाद हमारा दो मिनट बूंदी गल गई और हमारा रायता तैयार है। इसे खाइए, सर्व कीजिए पूड़ी के साथ, रोटी के साथ, आनंद लीजिए, गर्मियों में एंजॉय कीजिए और हेल्दी रहिए। हैव अ हैप्पी लाइफ। थैंक यू। ये हमारा फेस्टिवल खाना तैयार है और हमारे फेस्टिवल थाली अब हम जमाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले एक बाउल में रायता रख देंगे जो हमने बनाया बूंदी वाला। उसके बाद एक प्लेट लेंगे, उसमें थोड़े से नमकीन रखेंगे, थोड़ा सा प्याज का सलाद रखेंगे और थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी रख देंगे। भिंडी की सब्ज़ी, प्याज का सलाद, नमकीन और पापड़, ये है जो हमारे खाने को पूरा करेगा। अब इसमें क्या चीज़ मिसेंगे? इसमें मिसेंगे हमारे फूली हुई गर्मा गर्म पुड़ियाँ। तो हम इसमें कुरकुरी पुड़ियाँ रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुरकुरी डाल दी है और अभी हमारी तैयार है। सर आइए, खिलाइए, बहुत सारी बधाई और अपने त्योहारों को हैप्पीली मनाइए। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।